बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माई चैनल सूरा किचन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं झटपट सी मसालेदार सॉफ्ट कलेजी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और उसके साथ ये बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और चटपटी सी बनकर तैयार होती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक पैन में आधा किलो कलेजी शामिल करेंगे। कलेजी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, साथ में एक बड़े साइज़ के टमाटर को कट करके शामिल करेंगे। टमाटर के छिलके को मैंने रिमूव कर दिया था। दो गिलास पानी शामिल करेंगे, साथ में दो मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कट करके शामिल करेंगे। स्पाइसेस में कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टीस्पून, बेड मिर्च कटी हुई 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या हसबे जायका, ज़ीरा कुटा हुआ 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। ये सब मसाले शामिल करके इसे हम मिक्स करेंगे और अब इसे हम कवर करके 40 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम को हमने लो पर रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह से कलेजी को पकते हुए 40 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल तकरीबन इसमें हम 7 से 8 टेबलस्पून भरकर शामिल करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई पर रखा हुआ है। अब हम कलेजी को भून लेंगे। साथ में ये जो प्याज और टमाटर थोड़े थोड़े से नज़र आ रहे हैं ना, इनको हम चम्मच के साथ मैश करते जाएंगे। अगर आपने इस रेसिपी से एक बार कलेजी बना ली तो आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे और जो भी इस रेसिपी को खाएगा उसका हाथ नहीं रुक पाएगा। पानी तकरीबन हमारा ड्राई हो चुका है। ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसको भुनने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं कलेजी को हमें भूनते हुए। कलेजी को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। लुक चेक करें माशाल्लाह से, कितनी मज़े की लग रही है दिखने में ही। अब इसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून दही के शामिल करेंगे। दही को शामिल करते हुए फ्लेम को लो पर कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। खुशबुएं तो क्या कमाल की आ रही हैं। और दही के साथ इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसके साथ ही 1 टीस्पून भरकर इसमें काली मिर्च पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून पीसा हुआ गर्म मसाला शामिल करेंगे और मिक्स करके इसे हम 3 से 4 मिनट का दम देंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं कलेजी को दम पर रखे हुए। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से कलेजी हमारी बनकर तैयार है। हमारी मसालेदार सॉफ्ट और चटपटी सी कलेजी बनकर तैयार हुई है, जो खाने में बहुत ही सॉफ्ट है और इसका मसाला बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, फिर लौट कर आऊँगी किसी फ़न रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।